हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी न्यूज़ होम फूड। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, जो कि एक व्रत स्पेशल खिचड़ी है, लेकिन आप इसे बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, जिसको 3 बार वॉश करने के बाद मैंने इसको 1/4 कप में 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और ये देखिए, अब मैं इसको जैसे दबा कर देख रही हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हम ये साबूदाना को भिगो कर ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू लिया है, जिसे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 चम्मच कच्ची मूंगफली, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा ले लेंगे, स्वादानुसार नमक, 1 इंच टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और ये 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 चम्मच घी, 1 नींबू का रस ले लिया है और 1 चम्मच चीनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम 1 चम्मच घी इसमें डाल देंगे, और जो हमने पीनट्स लिए हैं, यानी कि जो हमने कच्ची मूंगफली ली है, इसको हम इसमें थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। अच्छे से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, पीनट्स अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच घी का और लेंगे। जैसे ही घी गर्म होता है, हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा को हमने थोड़ी देर पकाना है। जैसे ही जीरा चटकने लगे, हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक। थोड़ा सा इसको भी पका लेते हैं, ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब डाल देंगे हरी मिर्च। अब आलू को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू भून चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, चीनी, और खट्टेपन के लिए हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस। नींबू का रस डालने से खिचड़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और खिचड़ी टेस्टी बनती है, तो आप नींबू का रस इसमें ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको जस्ट हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद इसमें डाल देंगे साबूदाना। अब इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक हम यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, व्रत का नमक। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली। साथ में अब इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साबूदाना की खिचड़ी बनकर लगभग तैयार है, और अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।